नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स की तरफ से एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार संस्थान में अप्रेंटिस के कई पद पर भर्ती की जाएगी। इस अभियान के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर तय की गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए संस्थान में कुल 295 पद पर भर्ती की जाएगी, जिनमें इलेक्ट्रीशियन के 140 पद हैं, वहीं फीटर के 75 पद खाली हैं, मैकेनिक डीजल के 40 पद और वेल्डर के 25 पद और मशीनिस्ट के 15 पद शामिल हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं क्लास पास होना चाहिए। अधिसूचना के अनुसार इस अभियान के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे उनकी उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस पद पर चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान ₹7,000, दूसरे वर्ष में ₹7,700 और तीसरे वर्ष में वशीफा की ₹8,050 के हिसाब से दिया जाएगा। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में ₹100 का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ किया जाएगा। अभ्यर्थी ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि भर्ती कैसे करनी है। सबसे पहले उम्मीदवार को पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स की ऑफिशियल वेबसाइट plw.indianrailways.government.in पर जाना होगा। उसके बाद उम्मीदवार होम पेज पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट न्यूज़ पर क्लिक करना होगा। फिर अभ्यर्थी संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर उम्मीदवार को एक नया पेज दिखाई देगा। फिर उम्मीदवार वहीं से अपना आवेदन पत्र भरकर और शुल्क सीधा भुगतान वहीं से कर सकेंगे। अब उम्मीदवार को आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा और अंत में उम्मीदवार एक प्रिंटआउट अपने संबंधित के लिए निकाल के रख लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।